नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, यानी हम वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका आयतन तथा परिमाप ज्ञात करें। यानी वर्ग का एक भुजा दिया गया है, इसका आयतन और परिमाप हमको ज्ञात करना है। भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भुजा जिसको ए से सूचित करते हैं, यानी ए का मान, यानी भुजा का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हमको निकालना क्या है? इसका आयतन। तो देखिए, ये होता है हमारा वर्ग। क्या होता है? ये होता है हमारा वर्ग। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो जब ये वाला भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और नीचे वाला भुजा भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए, ए का मान यानी भुजा का मान क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का आयतन बराबर, फार्मूला होता है ए क्यू, यानी भुजा का हमको क्यू करना है। तो भुजा का मान कितना है? ए का मान है 7, यानी 7 का क्यू करना है। अब देखिए, 7 का यहाँ पर क्यू करना है ना, यानी 3 लिखना है। 7 का क्यू कहने का मतलब क्या? यानी 7 का पावर 3 है तो हम 7 को 3 बार गुना में लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 × 7 हो जाएगा 49 और गुना में ये वाला 7 बच गया। अब देखिए, 49 का गुना करना है 7 में, तो देखिए 7 × 9 = 63 का 3, 8 × 6 और 7 × 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34, यानी 343। और आयतन है तो यहाँ पर देखिए, जब भुजा सेंटीमीटर में रहेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया हमारा पहला आंसर, यानी आयतन निकल गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है हमको वर्ग का परिमाप, यानी आयतन हमने निकाल दिया, परिमाप निकालना है। तो आइए नीचे यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि वर्ग का परिमाप बराबर, फार्मूला क्या होता है? 4 × 1 भुजा, यानी भुजा का मान हमारा ए रहेगा, यानी ए से सूचित करते हैं। अब देखिए, 4 × 1 भुजा यानी भुजा का मान कितना है? तो भुजा का मान यहाँ पर हमारा है 7 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 हो जाएगा 28 और परिमाप है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब, परिमाप 28 सेंटीमीटर और क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया, यानी आंसर आ गया। तो दोस्तों, इसी तरीका से अगर आपके सामने कोई भी वर्ग का क्वेश्चन रहे और उसका परिमाप और आयतन निकालना हो तो यही सारी फार्मूला यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, तरीका आपको यही यूज करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।